ये है हमारा छज्जा, मतलब ये रहा अपना बीम, और बीम के बाद बीम के बॉटम से एकदम सीधे छत निकला हुआ है, और आगे जाके ना कोई बीम नहीं है। अब सोचो दोस्तों, ये यहाँ पे बीम है और आगे जाके कोई भी बीम नहीं है, और बिना बीम के ही छत हमारा इतना आगे निकला हुआ है, तो किस तरीके से ये निकला होगा? आखिर ऐसा कौन सा यहाँ पे रेनफोर्समेंट यूज किया गया होगा जो कि इतना आगे हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं? तो चलिए इसके बारे में आपको एक चीज दिखाते हैं, ये किस तरीके से बढ़ता है और क्या चीज यहाँ पे दिया जाता है उसके लिए। ये रही दोस्तों, ये रहा हमारे पास जिसको कि यूज किया जाता है जब भी आप किसी बालकोनी में या फिर छज्जा को आप आगे निकालते हो, तो ये यूज किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना कुछ इस तरीके से AK-47 टाइप का एकदम दिख रहा है ना गन, तो दोस्तों इसको बोलते ही हम लोग गन बार, और इसी गन बार का यूज करके हम लोग जहाँ पे भी एक्सटेंशन करते हैं छज्जा निकालना रहता है, बालकोनी में आगे बढ़ाना रहता है, तो हम लोग इस बार का यूज कर सकते हैं आसानी से। अब इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, यूज कैसे होगा? सबसे पहला वाला जो पोर्शन आपको ये दोस्तों दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसे, ये आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं एक बीम होने वाला है हमारा, बीम, ये बीम मतलब ये बीम में लगने वाला होगा, और बीम में लगने के बाद आपका कुछ और यहाँ से रिलेट होके ये बड़ा। अब ये ना पूरा का पूरा एक सिंगल सरिया से बना होता है। जैसे मैं इसको बताऊं, सबसे पहले यहाँ से रिलेट करूँ आपको दिखाऊं, तो यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला पोर्शन यहाँ से लगना स्टार्ट हो रहा है, कि यहाँ से ऐसे मूव करते 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 गए, जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, आगे आने के बाद यहाँ से नीचे बैंड हुआ, नीचे बैंड होने के बाद फिर ऐसे डायरेक्शन में आया, और ऐसे डायरेक्शन होने के बाद फिर ये ऊपर गया। अब मतलब ये बीम वाले सेक्शन पे चल रहा है, और बीम में जाने के बाद फिर आपका इस वाले सेक्शन में आया, और यहाँ से आने के बाद नीचे आया, और नीचे आने के बाद ये हुक के साथ यहाँ पे ख़त्म हो गया, जैसे यहाँ पे हुक दिख रहा होगा मतलब। तो ये एक सिंगल सरिया का यूज़ करके ही गन बार को बनाया गया है, जिसका कि स्ट्रेंथ आपको एकदम अच्छा मिलने वाला है। आपको इससे क्या होगा कि जब भी आपके ये लटक बनेंगे, जो कि आगे जाके ये लटक बनने वाले हैं, इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है बीम के साथ में। तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं छज्जा में, बालकोनी में। अब इसका मैं अगर कटिंग लेंथ के बारे में बात करूं तो दोस्तों, तो इसका कटिंग लेंथ भी आप एकदम आसानी से निकाल सकते हो। कटिंग लेंथ के लिए आपको बस क्या करना होता है कि जैसे जैसे आपका सरिया जा रहा होता है वैसे वैसे आपको चलना होता है। अब इसकी ड्राइंग में ना आपके पास डायमेंशन होती है कि आपके बीम का साइज क्या होगा, और बीम के साथ आपका जो छज्जा जाने वाला है सामने, इस छज्जा का कितना प्रोजेक्शन मेरा आगे निकला हुआ है, तो ये मेरे को आगे समझना पड़ता है। सबकी डायमेंशन आपके पास होगी, साथ ही साथ इस छज्जे का जो थिकनेस होने वाला होगा वो थिकनेस कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस वाले कॉर्नर पे जो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो छज्जा का पार्ट होगा, तो छज्जे के पार्ट में जो आपका रेनफोर्समेंट होता है, तो इसको अपने को कवर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आपके इस सेक्शन में कवर होगा और इस सेक्शन में कवर होगा, मतलब इसकी जो भी थिकनेस होगी इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो कवर माइनस करेंगे, तो आपकी ये वाली लेंथ निकल के आ जाएगी, ये वाली। फिर यहाँ से जब हम लोग यहाँ तक चलेंगे इस पोर्शन तक, तो ये वाली टोटल लेंथ निकलेगी, और इस साइड में आपको कवर माइनस करना होगा। मतलब पहला पार्ट क्या हो गया, ये वाली निकल गई, फिर इधर से चले तो यहाँ तक में ये वाला आपका लेंथ निकल गया। सेम उसके बाद यहाँ से जब आगे निकालते हो, तो ये वाली आपकी बीम की जो आपकी विड्थ होती है, वो विड्थ वाला डायरेक्शन साथ में ये वाला कवर आपको माइनस करना पड़ता है। सेम ये वाली जो लेंथ निकालनी पड़ेगी, जैसे आपका इधर में निकाले थे, सेम आपके दोनों साइड में टोटल थिकनेस में से कवर माइनस किए थे, वैसे ही आपको टोटल थिकनेस में से इसमें कवर माइनस करना पड़ता है। फिर जैसे ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, बीम की विड्थ आ जाएगी, और सेम इस वाले से इस वाले पे चलेंगे तो बीम की डेप्थ आ जाएगी, कवर माइनस करते हुए चलेंगे हम लोग। सेम यहाँ से यहाँ की हम लोग जो लेंथ निकालेंगे क्या होगा, बीम की विड्थ में से दोनों साइड का कवर, और इधर में से यहाँ पे चलेंगे तो फिर अपने पास आ गया डेप्थ, टोटल डेप्थ दोनों साइड का कवर माइनस कर लेंगे, और ये आपका लास्ट में एक आ जाता है हुक लेंथ, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो मतलब इस तरीके से आप इस चीज़ का कटिंग लेंथ निकाल सकते हो। बाकी आपको ध्यान में क्या रखना है कि जहाँ जहाँ पे सरिया आपका बैंड हो रहा होगा, आपको बैंड डिडक्शन करना है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो आपको बैंड कितनी जगह पे हो रहा है, सबसे पहला यहाँ पे बैंड दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री का, फिर जैसे आगे चलते हो यहाँ पे दूसरा बैंड 90 डिग्री का, फिर यहाँ पे आए तीसरा बैंड, यहाँ पे चौथा बैंड, फिर आगे चले पांचवा, और ये छठा, और ये लास्ट में सात। मतलब इस टोटल गन बार को बनाने में हमें सात जगह बैंड हुए, तो और वो सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। मतलब 90 डिग्री के लिए आप जो बैंड डिडक्शन लेते हो वो लेते हो 2D। यहाँ पे डी क्या होता है, डी होता है आपके जो बार यूज़ किए गए हैं इसका डायमीटर, मतलब टोटल लेंथ को हम लोग ऐड करेंगे, और उसके बाद जितनी जगह पे बैंड हुआ है उसका बैंड डिडक्शन कर लेंगे। तो इतना आसानी से आप इस चीज़ का कटिंग लेंथ निकाल सकते हो। और इसका इम्पोर्टेंस कितना है कि आप इस चीज़ को अगर लगाते हो तो आप फ्यूचर में जो भी बालकोनी बनाते हो उसको क्रैक होने से, उसको गिरने से, उसको लटकने से आप बचा सकते हो।
तो अगर आप भी अपने घर में प्रोजेक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे और आपका बीम से कनेक्टेड होगा तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ही आपको गन बार यूज करने हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।